वेलकम बैक इन क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें हमने नंबर सिस्टम का डिटेल इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, हम क्वेश्चंस को देखेंगे आज। तो सबसे पहला टॉपिक है फाइंड रैशनल नंबर इन बिटवीन रैशनल नंबर। कुछ रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने की 3 मेथड्स हैं। हम वन बाय वन उनको चेक करेंगे और देखेंगे मेथड्स को किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो मेथड 1 इसका नेम है मिड वैल्यू मेथड। ये मेथड कैसे वर्क करती है, हम एग्जांपल से चेक करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले देते हैं। एग्जांपल दिया फाइंड 3 रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/2 एंड 2/3, ठीक है। कि हमें 1/2 और 2/3 ये 2 रैशनल नंबर है, इन 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये मेथड कैसे वर्क करती है, ये रहा 1/2, ये रहा 2/3, इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ओके। चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो हम इन दोनों नंबर्स का मिड वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों नंबर्स की मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो इन दोनों नंबर्स की आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सॉल्व करते हैं इसको। अब इस ऊपर न्यूमरेटर में जो आपको रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 4, डिवाइड बाय, सो ओवरऑल डिवाइड बाय 2 है। 3 प्लस 4 7/6 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आ गया 7/12। तो इन दोनों का मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू इन दोनों का है 7/12, तो वो प्लेस कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में। तो हमें 1/2 और 2/3 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया, दैट इज 7/12। अब हमें निकालने 3 रैशनल नंबर है, अभी हमारा 1 निकला है। अब हम इन दोनों का मिड वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का मिड वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक इन दोनों का मिड वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों नंबर्स का मिड वैल्यू निकालते हैं, 1/2 प्लस 7/12, मैंने बताया जिनका मिड वैल्यू निकालना है उन दोनों को प्लस करिए और डिवाइड बाय 2 करिए, ठीक है। चेक करिए इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 और 12 का एलसीएम 12 आ गया। 12 को डिवाइड किया 2 से, 6 टाइम्स 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6, 12 से 12 को डिवाइड किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 से 7, इसके ओवरऑल अपॉन में 2 है। 6 प्लस 7 13/12 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 13/24। इन दोनों का मिड वैल्यू आ गया 13/24, मतलब अब आपके पास 2 रैशनल नंबर निकाला है, एक तो ये था, एक ये निकला है। अब इन दोनों का और मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। इन दोनों का कैसे निकालेंगे, इन दोनों का देखिए यहाँ पे निकाल के बताता हूँ मैं। इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, 12 को 3 का एलसीएम 12 आएगा, 12 से 12 को डिवाइड किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ 7, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8, डिवाइड बाय 2, तो 7 प्लस 8 15, 15/12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 15/24। तो अब आपके रैशनल नंबर क्या क्या निकल आए, 1/2 और 2/3, मैं फाइनल आंसर आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1/2 और 2/3 के बीच में आपको चाहिए थे रैशनल नंबर, पहले हमने 1/2 और 2/3 के बीच में पहला रैशनल नंबर ऐसे निकाल लिया था,
फिर इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू निकाली और इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या आया 13/24। फिर इन दोनों के बीच में हमने मिड वैल्यू मेथड लगाई और हमारा नया रेशनल नंबर क्या निकल के आया। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि हमने 1/2 और 2/3 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकाल लिए। ये हमारे 3 रेशनल नंबर हैं। तो देखिए ये मेथड भी आसान है एक तरह से आपके लिए कि जब भी आपको दो नंबर्स दिया जाए उनके बीच में बोला जाए कि आपको दो रेशनल नंबर निकालने, 3 निकालने, 4 निकालने, 5 निकालने, जितने भी निकालने हो आप सिंपली उनको प्लस करिए, डिवाइड बाई 2 करते जाइए। तो आपको पहला मिड वैल्यू मिलेगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसके बीच का मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, इनके बीच का एक वैल्यू नंबर मिल जाएगा। अब सपोज करो आप 3 की बजाय बोला जाता 5 निकालते, तो हम क्या करेंगे, अब अगला निकालने के लिए इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू लगाते, इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू लगा सकते थे, इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू निकाल सकते थे, इन दोनों के बीच में मिड वैल्यू मेथड लगा सकते थे। तो मिड वैल्यू मेथड इस तरीके से वर्क करती है। बस प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में कि ये अगर मान लीजिए 3 की बजाय बोला जाता 5 रेशनल नंबर निकालिए या 7 या 8 या 9, तो जब आपको ज्यादा रेशनल नंबर निकालने तब ये मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, तब आपको निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आने लगती है। तो फिर उस केस में आप इस मेथड को अप्लाई ना करके मेथड सेकंड अप्लाई करेंगे जो हम अभी कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, हमने मेथड 1 मिड वैल्यू मेथड देखी और उसका ड्रॉबैक भी हमने ये देखा कि जब आपको दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तब वो मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, इसलिए हमें जरूरत पड़ी मेथड सेकंड की। स्पेशली ये मेथड तब अप्लाई करेंगे आप जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो। मान लीजिए दो रेशनल नंबर दिए गए और उनके डिनोमिनेटर सेम है तो आप मोस्टली इसी मेथड को अप्लाई करिए, मेथड उस केस में बहुत आसान होगी। फॉर एग्जांपल फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/5 एंड 7/5 या 2/5। ठीक है, तो मुझे 1/5 और 2/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इस केस में आप मिड वैल्यू मेथड लगाते तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती क्योंकि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसका मतलब है कि 5 बार मिड वैल्यू मेथड निकालनी, 5 बार मिड वैल्यूज निकालनी होती है, तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्टीज होने लगती है। तो हम इस केस में जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा इस केस में मेथड सेकंड अप्लाई करेंगे। और ये मेथड किस तरीके से अप्लाई की जाएगी ये देखिए। तो इस केस में जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसको मानेंगे n, जितने भी रेशनल नंबर, हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे 5, तो हमने n को मान लिया 5, और n प्लस 1 का हर एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किया जाएगा मल्टीप्लाई। इसके न्यूमरेटर में भी n प्लस 1 का मल्टीप्लाई, इसके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी, इसके न्यूमरेटर में भी n प्लस 1 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से देखिए n प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, n प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से 2/5, इसमें भी न्यूमरेटर में n प्लस 1 का मल्टीप्लाई, इधर भी n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। इसी तरीके से इधर भी 2/5, n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई नीचे आप करेंगे। 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 5, 2/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, 6/6, 6 मल्टीप्लाई 1, 6, 6 5 जो 30, इधर देखिए 2 6 जो 12, 5 6 जो 30। अब यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर की रेंज क्या है 6 से लेकर 12 तक, तो आप 6/30 से लेकर 12/30 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर लिख दीजिए,
आपके बीच में आ सकते हैं 7/13, 8/13 भी आ सकता है, 9/30 आ सकता है, 10/30 आ सकता है, 11/30। तो ये आपकी 5 रेशनल नंबर होगी। तो इस केस में ये मेथड बहुत आसान होती है। इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, तो जितने भी रेशनल नंबर आपको निकालने हैं उसको n इज इक्वल टू मान लीजिए। मुझे इस केस में 5 रेशनल नंबर निकालने थे इसलिए मैंने n इज इक्वल टू 5 मान लिया। अब इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में n प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, बोल दिया। इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो भी हमने किया। n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1, ऊपर नीचे इधर भी मल्टीप्लाई किया। 5 प्लस 1 मतलब 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6 का मल्टीप्लाई नीचे, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे। सॉल्व किया तो आ गया 6/30, 12/30, यानी का मतलब है कि 1/5 कन्वर्ट हो गया 6/30 में और 2/5 कन्वर्ट हो गया आपका 12/30 में। तो अब इन दोनों नंबर्स के बीच की रेंज काफी बड़ी होगी, तो अब यहाँ पे हम सिंपली इनके बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते थे। 6 के बाद क्या आता है 7/30, 7/30 के बाद 8/30, 9/30, 10/30, 11/30 तक आपने रेशनल नंबर ले लिए और आपको 5 रेशनल नंबर निकालने थे। तो यही इन दोनों नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर हो गए। तो मैंने आपको बताया कि ये मेथड बहुत आसान होगी जब डिनोमिनेटर्स आपके क्या हों सेम, तब आप मिड वैल्यू मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, आप मेथड ए वाली मेथड अप्लाई करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने की दो मेथड्स देख चुके हैं। पहली मेथड थी मिड वैल्यू मेथड, वो भी हमने कैसे वर्क करते हैं वो देख लिया। सेकंड मेथड हमने देखी जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड अप्लाई करके देखिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं सेकंड मेथड को ही अप्लाई करते हैं, तो ये आसान भी है इसलिए इसको अप्लाई करना आसान है, आप कर भी सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करना, और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं इनकेस कोई डाउट होता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 and 3। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 and 2/3। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।